अलग पहचान है। इनका देश की खुशहाली, उद्योगीकरण और संस्कृति में बड़ा योगदान है। ऐसे ही सांस्कृतिक विचारों और आपसी सौहार्द को बनाए रखने में सुनखी पंजाबन जैसे कार्यक्रमों का बड़ा महत्व हो जाता है। यह कहना है, सुनखी पंजाबन जैसे कार्यक्रमों को समाज तक पहचान देने वाली समाज सेविका पत्रकार डॉक्टर अवनीत कौर का। डॉक्टर अवनीत कौर ने बताया, उनकी माता जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम करने का अवसर मिला। सुनखी पंजाबन कार्यक्रम करने का मकसद पंजाबियत को बनाए रखना है। आज जिस तरह से मोबाइल क्रांति में सब लगे रहते हैं, अपनी संस्कृति, धरोहरों, ताना बाना, भाषा और आचार विचारों को भूलते जा रहे हैं। सुनखी पंजाबन फिनाले 3 फुलकारे में उन सभी लड़कियों और महिलाओं को अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलता है, जिन्हें फैशन, डांस, गायन और वाक्पटुता के क्षेत्र में और कहीं मंच नहीं मिलता। अवनीत कौर ने बताया, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, परंतु आज भी नारी शक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करती है। ऐसे कार्यक्रमों से नारी सशक्ति को बढ़ावा मिलता है, उनके हुनर को एक पहचान मिलती है। इस कार्यक्रम में पहुंचे सिंगर साहनी ने बताया, पंजाबी महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, परंतु उन्हें कहीं मंच नहीं मिलता। अच्छा लगा, सुनखी पंजाबन की निदेशिका डॉक्टर अवनीत कौर ने उन्हें एक मंच प्रदान किया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे पंजाबियत की पहचान कायम रहे। फिल्म जगत से सरदार जनरल सिंह विरासत ने बताया, सुनखी पंजाबन के कार्यक्रम में आने से सुकून मिला। पंजाबी संस्कृति का गहना परंपरा को पुनर्जीवित करने और अपने अमूल्य धरोहर के साथ जुड़ने की जरूरत है। युवतियों महिलाओं के लिए यह एक अच्छा मंच है। इस मौके पर कई दिग्गज हस्तियां, जिसमें मिस इंडिया रही समरीन हंसी, मॉडल जगजीत सिंह, जीत कालसी, जागो पार्टी के मनजीत सिंह जी के आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। दिल्ली से बंसीलाल की रिपोर्ट। आपको अपना परिचय बताएं थोड़ा सा। मैं डॉक्टर अवनीत कौर भाटिया हूँ, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम, 17 साल से दूरदर्शन न्यूज में एंकर बुलेटिन एडिटर हूँ। मैम, आज की पंजाबी ये थर्ड सीजन चल रहा है, पहला सीजन तो बहुत बढ़िया रहा, दूसरा सीजन थोड़ा कोविड की वजह से रहा, तीसरा सीजन जो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े फाइनलिस्ट और पंजाब लेके NRI से लेके बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा लगता है कि माहौल जब एक और एक खुशनुमा माहौल भी बनता है जब? जी, ये इसके पीछे मेरी माँ का आशीर्वाद है जो कोविड के दौरान हमें छोड़कर चली गई। उन्हीं की ये सोच थी, 2019 में इसकी शुरुआत की थी, सुनखी पंजाबन, मतलब कि जो पूर्ण अपने आप में पूरी पंजाबन है। पंजाबियों को अक्सर रौनकी के नाम से बुलाया जाता है, खुशनुमा बुलाया जाता है, तो ये पूरा माहौल पंजाब का दिल्ली में लाने की यही वजह थी कि औरतों का सशक्तिकरण हो, पंजाबी औरतों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जीन्स पैंट्स डालकर नहीं, पूरे पंजाबी लिबास में, ट्रेडिशनल लिबास में हम लोग इन बच्चियों को स्टेज पर लेकर आए। यही इसी मंतव से सुनखी पंजाबन जो है शुरू किया गया। ये बताएं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आगे भी करना चाहेंगी, और अब जो माहौल है आज के जो हिसाब से क्या क्या आपके रहा है खास आज के सीजन में? इस सीजन में ये है कि हम लोग पीतमपुरा ब्लड बैंक के साथ, यूनाइटेड 6 के साथ, जिन्होंने काफ़ी शव जो हैं वो जो शमशान घाट जो लगातार जो जहाँ शव जो थे जाने की बिल्कुल लोग नहीं जा सकते थे, उनके साथ मिलकर हमने किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने हर एक स्पॉन्सर का जिन्होंने इस शो को कामयाब बनाने के लिए पूरी कोशिश की है। और विरासत फिल्म से जर्नैल सिंह हमारे चीफ गेस्ट हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। हम बच्चियों को यहाँ पे पहली को 21,000, दूसरी को 11,000, तीसरी को 5100 रुपया देते हैं, साथ में सोने का सग्गी फूल देते हैं। सग्गी फूल एक पंजाबन की एक गहना है जो आज के बच्चे भूलते जा रहे हैं। इसी के साथ 11,000 के गिफ्ट हैम्पर इनको दिया जाता है ताकि बच्चियां जो हैं और प्रोत्साहन। और सबसे बड़ी बात, इसमें विवाहित और अविवाहित लड़कियां हैं और उम्र की सीमा है क्योंकि 30 साल तक NRI उत्तराखंड, UP, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली, यहां से लड़कियों ने आके शिरकत की। देखा जितना लोग एडवांस होते चले जा रहे हैं उतना परिवार से जुड़ते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, परिवार दूर होता चला जा रहा है, इस तरीके से विदेश और ये भाषाएं बदलती चली जा रही है लोगों को, तो आप इस कल्चर के अंदर उनको सबको कैसे पिरो के रखती हैं और कैसे आपने माहौल बनाया? इस प्रोग्राम का मंतव्य यही है कि
अपने सभ्याचार को, अपनी विरासत को, अपने मूल को, अपनी मिट्टी को यदि हमने बचा कर रखना है तो घर की बच्ची से शुरुआत करनी होगी।